मुझे बताया गया कि इदरीस के रोल के लिए जब आप कास्टिंग कर रहे थे तब आपने लगभग 2,500 बच्चों का ऑडिशन लिया, काउंट 2-2.5 हज़ार, मतलब इतना इतना ज़्यादा था कि एक पॉइंट पर काउंट करना बंद कर। करना बंद कर दिया। फिर ओम पे कैसे लॉक किया? इनका ये भी एक आई थिंक एक बड़ा डेस्टिनी वाला पॉइंट है। मैंने इतने सारे बच्चों के वीडियोस देख लिए थे और मैं बहुत पिक्यूलियर एक क्वालिटी ढूंढ रहा था एक बच्चे में, क्योंकि बच्चे के हिसाब से बहुत टफ रोल है। सो मैं एक पर्टिकुलर एज का बच्चा ढूंढ रहा था जो इनोसेंस भी हो जिसके अंदर, और जिसके अंदर एक ब्रोकननेस भी हो। और ये बहुत टफ था हमारे लिए। तो जो भी बच्चे आते थे वो मैं देखता था, कोई सिर्फ इनोसेंट होते थे, बहुत मासूम से होते थे, कोई बहुत बड़े एक्टर होते थे कैमरा के लिए, तो मुझे कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं मिला। और ये सलाम बालक ट्रस्ट में रहते हैं। सलाम बालक ट्रस्ट का एक ऑडिशन का राउंड ऑलरेडी हो चुका था मुंबई में, दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में भी है। तो दिल्ली के अंदर ये पूरा एक उनके सारे बच्चों को टेस्ट कर लिया गया था। मुझे कोई समझ में नहीं आया और हम 1-1.5-2 महीना दूर थे शूट से। मेरे हाथ पांव फूल रहे थे कि यार ये बच्चा नहीं मिलेगा तो कैसे, और ये बच्चा अगर गलत हो गया तो पूरी फिल्म फ्लैट है। कि दो मेन कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि अगर आप ऐसे लिखे गए हैं कि ये दो पिलर्स हैं, और बच्चे को नीरज कभी और शाहनाज के साथ स्क्रीन भी शेयर स्क्रीन करनी भी है। शेयर करना है, इट हैज़ टू बी रियल, इट हैज़ टू बी लाइक यू नो दैट लेवल ऑफ एक्टिंग कि आप एक एक मोमेंट के लिए भी आप ऑफ नहीं हो सकते। आप एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते इस स्क्रिप्ट के साथ कि नहीं फर्स्ट फिल्म थी मेरी, मैंने गलत किया, इसकी फर्स्ट फिल्म थी। सो जब मैंने इसका फर्स्ट टाइम वीडियो देखा तब मैंने जो ऑब्जर्व किया अभी भी है, देखो जब हंसेगा तो कितना कितना उसकी प्यारी हंसी है, लेकिन आंखों में अभी भी कितना दर्द है। तो ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और मैंने कहा मैं इससे मिलूँगा, ही इज़ द फर्स्ट किड दैट आई मेट। और जब मैं सलाम बालक में गया, इससे मिला, कास्टिंग वाले को लेके गया, वो कैमरा लगा दिया, मैंने कहा मैं देखो ऑडिशन नहीं कर रहा हूँ तुम्हारा, ना मैं कुछ करूँगा, मुझे बस अपनी कहानी सुनाओ। उन्होंने अपनी कहानी सुनानी शुरू करी और मेरे तो रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए, क्योंकि जो मेरे इदरीस की कहानी थी। जी, और उसमें ओम की कहानी मिलती है। हमें आप अपने ओम कहाँ पैदा हुए, कभी स्कूल गए नहीं गए, फिर रेलवे स्टेशन कैसे पहुंच गए, ऐसे सब एक एक करके बताओ। जैसे आपने दीपेश सर को बताया था, कैमरा आराम से बताओ। वैमरा भूल जाओ, आराम से बताते हैं अपन लोग। मैं घर से इसलिए भागा था कि मतलब उम्र क्या थी तुम्हारी उसमें भागे? उस समय छोटा था, कम से कम 12-13 साल का था। तो मेरा भाई मेरे को मारता था और पापा भी, तो मैं इस चक्कर में वहाँ से भाग गया आया। कहाँ घर कहाँ पे था? मध्य प्रदेश, जबलपुर। जबलपुर आंचे बाजार में, जबलपुर। हाँ वहाँ से मैं भाग आया। तो मुझे पता नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है, बस मुझे पता था बस यहाँ से जाना है मेरे को। क्यों माँ मारते का थे? मतलब थोड़ा बहुत तो हम भी पिटे हैं, पर थोड़ा पिटना और इतना पिटना कि घर से भाग जाए। मतलब जैसे कि मेरे को स्कूल नहीं भेजते थे, मेरे पापा कहते थे हमेशा काम कर काम कर, लेकिन मैं करना नहीं चाहता, मैं पढ़ना चाहता था। तो मारते थे, मेरा भाई भी मारता था, मेरा भाई टम्पू चलाता था, वो कहता था मेरे साथ चल काम पे, मैं जाता नहीं था, तो बहुत मारते थे वो। तो मेरे को बस इतना पता, मेरे को भागना है ऐसे आराम से। हाँ हाँ फिर तो मैं वहाँ से भाग गया। तो स्टेशन पर गया, मुझे कुछ बस ये नहीं था मेरे को कि कहाँ जाऊँ क्या करूँ, बस मेरे को जो ट्रेन दिखी मैं चढ़ गया उस पर, कहाँ पहुँचे? चढ़ गया। तो मैं पहले हरिद्वार गया था, हरिद्वार में 2-3 दिन रहा। तो वहाँ पे सब बाबा लोग थे, मेरे को डर सा लग रहा था उनसे, खाना वाना? खाना वाना सब मांग के। फिर मैं दिल्ली आया सीधा स्टेशन पे, दिल्ली। फिर दिल्ली से मैं काफ़ी दिन चांदनी चौक पे रहा हूँ, वहाँ पे गुरुद्वारे में खाना खाया। शीशगंज। हाँ फिर कुछ मेरे काम को भी करते थे? क्या करते थे पूरे दिन, क्या करते थे मैं बोतल बीनता था, मैं तुम? बोतल बीनते थे और फिर उसको कबाड़ी की दुकान पे बेच देते थे। कितने रुपए की बीन लेते थे पूरे दिन? पूरे दिन में 50, 20, 100, 80। 80 रुपए? ये जो पानी की बोतलें लोग पी के फेंक देते हैं वो, ठीक है। और सोते कहाँ थे? पार्क पार्क में में। पुलिस परेशान करती थी? नहीं, जैसे बाकी बच्चे सोते थे उधर घुमाए, मैं वहां सोता था। कुछ नशा पत्ती वगैरह? बीड़ी पीना सिखा दिया था मेरे को, फिर मैंने छोड़ दिया उसे, काफी टाइम हो और वो गया। जो थिनर सूंघते हैं बच्चे, वो लिक्विड डाल के वो सूंघते हाँ, हैं, वो भी किया? फिर फिर उसके बाद मेरे को एक पुलिस वाले सर ने मेरे को सलाम वालेकुम में ले गए। फिर वहाँ पे मेरे को उन्होंने
फिर मैं वहीं पे रहने लग गया था। फिर वहाँ पे भी मतलब मेरे को अजीब अजीब लग रहा था, फिर मेरे को स्कूल भेजा था, तो वहाँ पे भी मेरे को अजीब लग रहा था, बच्चे लोग बहुत अजीब थे वहाँ पे। अजीब मतलब कैसे? जैसे कि बहुत से बच्चे कहते थे जेल है वेल है, तो मेरे को डर लगता था। मैं फिर वहाँ से भागा, फिर मैं दोबारा मेरे को लेके गए, ढूंढ रहे थे मेरे को सलाम बालक वाले, फिर दोबारा लेके गए, तब मेरा ऑडिशन वहाँ पे हो रहा था, तो मैं गया, फिर मैं सिलेक्ट हुआ था। तो तुमको कैसे क्या बताया कि ऐसे फिल्म बन रही, लड़का चाहिए तो तुम चले जाओ, क्या बोला बताया? नहीं मतलब ऑडिशन हो रहे थे, मैं वहीं पर घूम रहा था, तो मेरे को वैसे ही कैमरे से डर लगता था, तो मैं गया, तो उन्होंने बोला करेगा, तो मैंने पूछा किसी लिए करे फिल्म के लिए, मैंने कहा हाँ, तो मैंने किया, तो करने का उन्होंने पूछा नाम वाम, तो मैंने बताया, फिर उसके बाद सर आए थे और सर ने चुन लिया। हाँ।